दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आप अपने नाम को जो है लिस्ट में कैसे देखेंगे, या फिर आप अपने पंचायत के लिस्ट को देखना चाहते हैं कि लिस्ट में किन किन लोगों का नाम है। तो यहां मैं बता दूं कि 2024 के न्यू लिस्ट को जो है विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो कैसे पीएम आवास योजना के जो है न्यू लिस्ट को चेक करना है, आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया हूं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहे हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। वीडियो पसंद आए या फिर हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीएम आवास योजना के न्यू लिस्ट को चेक करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के इस ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। मैंने इस पोर्टल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप क्लिक करके इस पोर्टल पे विजिट कर सकते हैं। जब आप लोग इस पोर्टल पे आ जाते हैं तो ऊपर में यहाँ पे आवास सॉफ्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे दो चार ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे जो रिपोर्ट देख रहे हैं इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आ जाता है आप लोग के सामने। तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ऐप में EFMS रिपोर्ट्स, इसमें आपको थर्ड नंबर में मिल जाता है बेनिफिशरीज रजिस्टर्ड का, तो इसको क्लिक कर लेना है। अब आप लोग के सामने कुछ इस तरह का MIS रिपोर्ट आ जाता है जिसमें सारे स्टेट का नेम रहता है कि किस स्टेट में कितना जो है आवास मिला है। अब यदि आप अपने पंचायत के लिस्ट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो देख रहे हैं MIS रिपोर्ट, जिसमें से दोनों कॉलम में जो देख रहे हैं पहले से सेलेक्टेड है, तो ये दोनों को ऐसे ही रहने देना है। अब यहाँ पे ऑल स्टेट में जो है क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपने स्टेट के नेम को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट के नेम को सेलेक्ट करेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट के नेम को सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे आपका अंचल यानी कि आपका ब्लॉक का नेम क्या है, कौन सा ब्लॉक पड़ता है, उस ब्लॉक को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप अपने पंचायत के नेम को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आंसर दे देना है। जब आप लोग आंसर दे देते हैं तो नीचे जो सबमिट का एक आइकन मिल जाता है इस पर क्लिक करना है। अब आप लोग देखेंगे कि आपके पंचायत में जितने लोगों का जो है अप्रूव किया गया है पीएम आवास योजना, सभी लोगों का जो है नेम यहाँ पे इंक्लूड रहता है। यदि रिजेक्ट भी रहता है तो उसका रीजन यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे देखेंगे कि आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, आपका नाम क्या है यानी कि किनके नेम से पीएम आवास योजना वेरीफाई हुआ है, साथ में कौन सा बैंक अकाउंट आपका वेरीफाई किया गया है, ये सब यहाँ पे स्टेटस देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से पीएम आवास योजना ग्रामीण के न्यू लिस्ट को चेक किया जाता है। वीडियो यदि आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अब हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।